दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप देहाती में जैसे अपने यहाँ ब्रजेश शास्त्री जी हैं, स्वामी आधार चेतन जी हैं, बहुत गायकार होते हैं जो दोहा शुरुआत में बोलते हैं। सबसे पहले शुरुआत में स्टार्ट में दोहा बोलते हैं, तो वो दोहा किस तरीके से उनकी निकालेंगे? ठीक है, स्वामी आधार चेतन और ब्रजेश शास्त्री जी, नेमी चंद कुशवाहा, बहुत सब गायक हैं। ज़्यादातर जो है सबकी अलग अलग लाइन है। फिलहाल में जो है इस वीडियो में आपको हम दो तीन लोगों की जो है दोहा आपको निकालना सिखाएंगे, किस तरीके से आप जो शुरुआत में बैठकर निकाल सकते हैं। आप कहीं से भी हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, किसी भी प्रदेश से हो, ये अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि इस चीज़ को अगर सीखेंगे तो बहुत अच्छा है। कहीं भी बैठे तो आसानी से बजा सकते हो। ठीक है, हमने बहुत पहले लगभग एक साल पहले इसका वीडियो दिया था आप लोगों को। काफ़ी लोग जो है उसी तरीके को, जो भी शिष्य आते हैं उसी तरीके को फॉलो करते हैं, तो वो सही भी है, कोई गलत नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस वाली हारमोनियम में यानी सिंगल लीड की हारमोनियम में आपको हम बहुत बारीकी से इस चीज़ को सिखाएंगे। ठीक है, किस तरीके से हम दोहा को बोल सकते हैं, चाहे हारमोनियम पर बजाएं, चाहे आप जो है केसीओ पर अपने प्ले करें, कहीं भी करें, उसी तरीके से उसी पैटर्न से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अब अगर स्किप कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा भी अगर आपने इधर उधर कर दिया तो। एक निवेदन और आप लोगों से है कि भैया डाउनलोड बिल्कुल भी वीडियो ना करें, सीधा सीधा पूरा देखें। तो देखो, मतलब कुछ भी निकालें, जैसे ब्रजेश शास्त्री हैं, ब्रजेश शास्त्री जी गाते हैं, की दोहा गाते हैं स्वामी आधार चेतन की और ब्रजेश शास्त्री जी की सेम है। ठीक है, तो आज ये से हम बहुत बारीकी से फॉलो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को अब सीखेंगे, किस तरीके से। देखिए, दोहा जब भी हम लोग उठाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे से जब भी हम शुरुआत करते हैं तो इस रीड से यानी कि एफ सार्क से, जो देहात में होते हैं एफ सार्क से शुरुआत करेंगे, दोहा बोलेंगे, क्योंकि एफ सार्क पहले अगर एक साथ ही तुम उखड़ जाओगे, एक साथ ही बहुत तेज से गाने लगोगे तो आप जो है गा नहीं पाओगे। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप यहाँ से दोहा बोलिए। ठीक है, यहीं से मैं सिखाता हूँ, यहाँ से आपको बहुत जब यहाँ से गाएंगे तो आपका गला एकदम से धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा तब तक गर्म हो जाएगा गला, फिर आपकी आवाज़ ना ही फटेगी, ना ही कुछ होगा, आपका ना ही गला बैठेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमेशा गाएं तो जो है इस शुरुआत करें तो इस काली से करें। ठीक है, गुरु हर ब्रह्मा गुरु हर विष्णु गुरु हर देव महेश्वर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन आपको इस बटन से उठानी है, गुरु हर साक्षात परम ब्रह्मा। ये चीज देखो, शुरुआत से देखो दोबारा से, गुरु हर ब्रह्मा गुरु हर विष्णु गुरु हर देव महेश्वर, गुरु हर साक्षात परम ब्रह्मा। Yeah.
है फिलहाल में, आप देहात में सीखेंगे तो नोटों से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बस बताया उसी तरीके को फॉलो करिए। एक बार देखिए, और बगुला कुछ भी दो लाइन की जो भी आपको निकालना है, जो भी आपकी इच्छा है वो आसानी से आप दो लाइन की निकाल सकते हैं इस चीज पर। देखो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, लेकिन स्वर कट जाना चाहिए आपका, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब जो है बात करते हैं उठाई कैसे जाएगी, अब इतना तो आपने सीख लिया। एक ही बटन पर या कुछ भी गाइए, तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव। आलाप लेनी है, आलाप आपको करेक्ट तरीके से स्पेशल तरीके से लेनी है। देखो, यहाँ पर आप देख लीजिए, सीख लीजिए इस चीज को। जन भावे तुम्हें, क्लियर, हे देवन के देव, ठीक है। सुरक्षा, अब यहाँ पर इस बटन से चालू होगा, सुरक्षा मेरी कीजियो, मेरे काटो सभी बस आप अगर इतना बजा लेंगे तो आप 100% आसानी से बजा सकते हैं। फिर भी एक बार और देख लीजिएगा, आप फिर दोहा बहुत तरीके से गा सकते हैं। फिर बात करते हैं नेमीचंद, इस तरीके से बजा सकते हैं। बात करते हैं नेमीचंद कुशवाहा की, तो नेमीचंद कुशवाहा की देखिए, वो इस तरीके से, वो भी लाइन दोहा वही है लेकिन तरीका अलग हो जाएगा। तो गुरु हर ब्रह्मा गुरु हर, यहाँ पर इस बटन से होगा उनका चालू, ठीक है। गुरु हर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हर देव महेश्वरा, ये नेमीचंद इस तरीके से जो है वो करते हैं अपना। तो श्री जमुना जी के पार पर और थाड़े नंद किशोर और झिलमिले झिलमिले रसोई पीतांबर इस तरीके से उनकी दुआ है। हाँ, थोड़ा फास्ट है ना, अब वो यहाँ पे इस तारक से गाते हैं दोहा। अब मैं यहाँ से, आप जब यहाँ से, आप वहाँ से नहीं गा सकते क्योंकि उनका ट्रेवल गले में, उनका मतलब पतला गला है और खींच के गाते हैं, इसलिए जो है फास्ट आवाज है। आप यहाँ से गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः और गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री उठान जाएगी तो उठान पर थोड़ा फास्ट रहेगा। श्री रमना जी के पार पर और थाड़े नंद किशोर सो झिलमिले झिलमिले रहे हो सो पीतांबर, बस
बस क्लियर है, इसी इस तरीके से नेमीचंद कुशवाहा जी की गा सकते हैं, अर्थात बहुत गायक हैं जो है। इस वीडियो में आपको दो तीन तरीका आपको बता दिया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी बेस्ट लगा होगा, काफ़ी बेहतर लगा होगा। लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।